सुरक्षा बल के प्रयासों का सम्मान, देश का गौरव, देश का अभिमान। कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी क्षमताओं का दमखम दिखाया। यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आरपीएफ के प्रयासों की सराहना की, बल्कि देश की जनता भी इनसे अभिभूत है। और हो भी क्यों ना, कोविड की चुनौतियों के बीचों बीच भारतीय रेल ने स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को उनके घर पहुंचाया और 24 घंटे दौड़ती मालगाड़ियों ने जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की। रेलवे सुरक्षा बल ने इन सभी प्रयासों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। कुल 4,673 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 23 राज्यों के 63,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। शीर्ष अधिकारियों के दिशा निर्देश पर आरपीएफ के जवानों ने गरीब यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। फिर चाहे श्रमिक ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ उनके बैठने की व्यवस्था हो या IRCTC के किचन में बनने वाले खाने का वितरण, आरपीएफ ने यह सुनिश्चित किया कि जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को भरपेट पौष्टिक खाना मिले। लॉकडाउन के दौरान 22,00,000 से ज्यादा लोगों को आरपीएफ की ओर से IRCTC NGOs तथा स्वयं के सहयोग से भोजन कराया गया। अपने फर्ज को निभाते निभाते 4,649 आरपीएफ जवान कोविड पॉजिटिव भी हुए। इनमें से बड़ी संख्या में लोग रिकवर हुए, लेकिन 35 जवान ऐसे भी थे जिनके जीवन की डोर अपना कर्तव्य निभाते निभाते ही टूट गई। अपने फर्ज के लिए आरपीएफ जवानों का यह बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।